जूलिया वेंटूर और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के ब्रेकअप और पैचअप की खबरें तो आती रहती हैं। यहाँ तक कि बीच में उनकी शादी की अफवाह भी चली थी, पर अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन इन दोनों की नजदीकियाँ देखकर तो ऐसा ही लगता है कि दोस्तों अफवाहों में सच्चाई जरूर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हो चुका है और उसके बाद कटरीना तुरंत सलमान के पास आ गई अपना दुखड़ा रोने, और सुल्तान तो है ही बड़े दिल वाले, तो उन्होंने भी कटरीना को निराश नहीं होने दिया और उन्हें फिर से अपने करीबी दोस्तों में शामिल कर लिया। अब वो दोनों एक फिल्म करने वाले हैं साथ में, टाइगर जिंदा है। ये एक था टाइगर का सीक्वल है। इन सारी चीजों से सलमान और कटरीना बेहद करीब आ रहे हैं और लगता है ये बात मिस वेंटूर को हजम नहीं हो रही। सुनने में ये भी आया है कि यूलिया ये सब देखकर बहुत दुखी है, और हो भी क्यों ना, आखिर कटरीना सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड थी और ऐसे में उनका वापस आना तो यूलिया के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसी बात की वजह से यूलिया रोमानिया चली गई थी बहुत वक्त के लिए, लेकिन अब वो वापस आ चुकी हैं और उन्होंने हाल ही में स्टारडस्ट अवार्ड्स में सलमान के गाने पर परफॉर्म भी किया है। उन्होंने सलमान के गाने गाए ऑन स्टेज। यूलिया कटरीना से जेलिस तो है ही, लेकिन लगता है साथ ही साथ सलमान से बहुत प्यार भी करती है, तभी तो उनके लिए ये परफॉर्मेंस दी थी। यूलिया, हम तो यही चाहते हैं कि आपका दिल ना टूटे। बाकी अब सलमान के हाथ में है कि वो किसका प्यार अपनाते हैं और किसका ठुकराते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज प्रीति राव फ्रॉम नर्जिस न्यूज़।